मुंडापंड थाना क्षेत्र के अक्कर डिलारी मिलक की रहने वाली एक लड़की की शादी रामपुर जिले के आगापुर निवासी रियासत पुत्र फिदा हुसैन के साथ 5 वर्ष पहले हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल वाले पीड़िता को किसी न किसी बात पर मारपीट करने लगे थे, लेकिन इस बीच पीड़िता ने 2 बच्चों को जन्म दे दिया था। लेकिन ससुराल वालों का जुल्म पीड़िता के साथ बढ़ता ही चला गया। हद तो तब हो गई जब उसके पति रियासत के 2 सगे भाइयों ने फिरासत राशि दोनों ने मिलकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती बारी बारी से दुराचार किया, जिस पर पीड़िता ने अपने साथ हुई दरिंदगी की बात अपने पति रियासत से बताई तो उसने भी अपने भाइयों का बचाव करते हुए पीड़िता के साथ मारपीट करते हुए पीड़िता को ही चुप रहने को कहते हुए 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता जब अपने घर आई तो पीड़िता ने अपने ऊपर हुए जुल्म सितम की बात अपने भाई से बताई तो पीड़िता के भाई ने मुंडा पांडे थाने पहुंचकर मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कार्यवाही की मांग की थी। उस समय तो पुलिस ने पूरे मामले में FIR तो दर्ज कर ली थी, लेकिन थाना पुलिस पिछले 1 महीने से मुलजिमों की गिरफ्तारी से बस्ती चली आ रही है। पीड़िता का कहना है कि इस मुकदमे में मुलजिम मुझे डरा धमकाकर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर जब मैं मुंडा पांडे थाने गई तो थाना प्रभारी ने भी मुझसे फैसला कर लेने की बात कही। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस भी मुलजिमों के साथ मिलकर काम कर रही है, नहीं तो अब तक मुलजिमों की गिरफ्तारी हो जाती। अगर जल्दी मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाऊंगी। उधर इस केस की विवेचना कर रहे IU अमित कुमार ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल और माननीय न्यायालय में बयान दर्ज करा दिए गए हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जल्दी 3 तलाक के मुलजिम को गिरफ्तार कर दुराचार के भी मुलजिमों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अश्रफी जी, आपकी बेटी के साथ क्या घटना हुई है जो आज आप SSP साहब मेवाड़ से मिले? बहुत परेशान है हम दोनों आदमी, सुबह से गए हुए हम आए हैं, सुबह गए हुए परेशानी में फिर रहे हैं, कोई सुनवाई ना कर रहा। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? ये तो कहीं गलत केस आए मारे तो रहे, ये कहता था कि मैं और करूँगा और कर रहा हूँ, ऐसे बेटी को दिया है घर निकाल दिया हमने घर। और कोई और घटना हुई है आपकी बेटी के साथ, जैसे आपने कहा आरोप लगाया है कि इनके साथ? हाँ, बेइज्जती करी है इसकी और देवर जेठा। क्या नाम है देवर जेठा? एक का रिहासत है, वो फिरासत, एक का राशिद और नंदोई का नाम है साकिर। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? पुलिस कुछ नहीं कर रही कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं कर रही हमारी। क्या कहती है पुलिस? कुछ ना कहती है, कहती है कि हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं, कभी और 2-4 दिन और कोई सुनवाई नहीं कर रहा। पर मुंडा पांडे की भी ये कह रही है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, कार्रवाई नहीं करती ना, कुछ नहीं कर रही। आज आप SSP साहब मुरादाबाद से मिले हो, क्या मामला है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? जी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या हुआ है तुम्हारे? मतलब काम किया था जेठ ने और देवर ने मिलकर और 3 तलाक देकर घर से निकाल दिए, बच्चे भी छीन लिए। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो अब क्या करेंगे आप? आत्महत्या कर लूँगी। और जब कितने दिन से परेशान घूम रही हो आप? जी मुझे 1 महीने हो गए परेशान होते होते, कोई कार्रवाई, कोई पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपके कितने बच्चे थे? दो बेटे थे मेरे, बेटे थे। पति क्या करते हैं तुम्हारे? पति काम करता है। वो कुछ नहीं कहता? वो कुछ नहीं कहता, वो भी मारता पीटता, घरवाले से ही पिटवाता। क्या नशा वगैरह करता है कुछ? नहीं, नशा तो नहीं करता। घर वालों के कहने में रहते हैं? जी घर वालों के, माँ बाप के कहने में रहता। अब आपको कहाँ रह रही हो आप? अब अपने माँ के पास, मेरे बाप भी नहीं है। कितने दिन से रह रही हो यहाँ? 1.5 महीना हो गया। वो लेने भी नहीं आते तुम्हें? जी नहीं। अब आगे आपकी जो कार्रवाई है वो SSP साहब ने आपको आश्वासन दिया है कि उनकी जो आपकी कार्रवाई चल रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हो? कार्रवाई मतलब सबको जेल भिजवाने के लिए।